अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज संडे है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज थोड़ा बहुत जो ब्लॉग मैं बना सकूँ, क्योंकि काफ़ी मसरूफियात है और जो है काफ़ी बिजी चल रहा है। आगे बच्चों के पेपर्स भी हैं, तो सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी आज हम शूट कर सकेंगे हम आपसे शेयर करेंगे। ब्रेड बना। अच्छा, तुम फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाती हो बता दो। मत सफाई कर रहे हो आज अपने शेल्फ की? क्या कर रही हो ना? बनाए आप क्या कर रही? क्या कर रही? ये क्या है? ये कौन है? ये वाली लाइट ऑन हो रही है? ये वाली? ये हाँ हो रही है। I give you. क्या हो गया माँ? ये देखें, ये बैठा हुआ है क्या? और बैठ के ही खा रहा है लेस। इसके पीछे ना ये घर छोड़ के चला जाता है चिप्स के। और ये दिखाना दूसरी चीज, ये दो यहाँ। ये तो आपने भी पी ली मम्मा, ऐसा नहीं है? नहीं, मैं तो थोड़ी सी पीती हूँ ना, छुप छुप के ये रहती हूँ। ये नवाब सिराजुद्दौला जो है बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस इनका जो है ऑन है, ऑफिस खुल गया इनका। सारी पिक्चर्स जो है हमारी चेंज हुई है, रिफ्रेश हुई है, काफ़ी टाइम से जो है एक ही लगी हुई थी, तो बहुत सारी चेंज की। तुमको पता है कुछ? हाँ मुझे पता है। कैसे मैगी बनानी है तुमको? आपको पता है कैसे बनानी है? हाँ, मैं मसाला, पानी, नूडल्स एंड फायर एंड बन जाती है। बन जाती है। मसाला नहीं डालते? मसाला डालते। हाँ, और पिज्जा भी तुम्हें बनाना आता है ना? ये तो हटाओ पेस्ट के से, गंदा होता है, डर्टी पेस्ट मुँह में नहीं खाते। क्या मसला है तुम्हारा? तुम लोगों ने क्यों मुझे परेशान किया? और सारा दिन जो है हर चीज़ छेड़ते रहते हैं। कहाँ जा रहे हो? ये जाते नहीं है बेटा, कहीं यहीं रहते हैं। बेडिंग जो है ये करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी होती है। वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन जब ये होते हैं तो ये करते हैं। ये देखें आप, क्या खा रही हो ना? पोटैटो अच्छे मजे के। देन जरा इसके ऊपर ढक्कन रखो पतीली पे। देखिए मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ, मेरी 3 साल की जो मेहनत थी ना वो सारी बर्बाद हो गई। और बर्बाद भी किसने की? जिनकी दिन रात खिदमत करती हूँ, उन्होंने सब सूख गई, मेरे सारे फ्लावर्स भी सूख गए। 3 साल जो है मैंने इसके ऊपर लगाए थे इतना बड़ा करने पर इसको, और इन्होंने सब खा लिए। अब मैंने इनको जो है ना, ये देखिए नीचे से काट दिए हैं इन्होंने ना, सारे 2 टुकड़े कर दिए हैं। बड़ी बड़ी जो मेन ऊपर जा रही थी स्ट्रिंग, सब मैंने कोशिश की इनको ग्रूटिंग करने की, अल्लाह करे चल रहा है। तो कुछ शाखें सही लग रही हैं, बाकी सब कट करनी पड़ेगी। लेकिन सब सूख गए, सब ड्राई हो गए, सारे फ्लावर्स भी। तो ये जॉनसन शैम्पू की अनाया की बॉटल है, मैंने कट करके बनाया है, बड़ी अच्छी लग रही है। इसको सेट करूँगी फिर देखिएगा। अनाया आइसक्रीम खाती है तो उसकी स्टिक्स मैं रख लेती हूँ। तो ये छोटे छोटे गार्डन के जो क्राफ्ट होते हैं ना, फैरी गार्डन के, वो मैं से कर लेती हूँ। अभी झूला मैंने बनाया है, इसे आपको दिखाऊँगी। साथ सफाइयाँ भी हो रही हैं, उनको भी सबको उतारना है, साफ करना है, क्योंकि डस्ट यहाँ देखो एक दिन में ही जो है ना डस्ट आ जाती है।
आलू का पराठा है। अहमद को भूख लग रही है, बहुत काम है आज क्योंकि सफाई भी चल रही है साथ साथ, सर्दियों के कपड़े भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं, तो आलू के पराठे बन रहे हैं। हमारे लिए भी मैंने आलू का पराठा बना दी, गर्मी इतनी खाना वैसे ही नहीं खाया जा रहा। कटलेट्स बना दिए हैं, बस लास्ट वन बन रहे हैं। और मैंने चने की दाल बनाई है, फ्राई दाल है गरम मसाले के साथ, ये बना ली। ये सारी चल रही हैं सफाइयाँ और मैं कर रही हूँ सफाई। अहमद ने मेन चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी हैं, बस अब जो है सिर्फ सफाई कर रही हूँ, थोड़ी बहुत जो रह गई है। असल में पेंट होना था लेकिन अभी ना टाइम है और ना पेंटर कोई मिल रहा है ढंग का, उस वजह से जो है अभी थोड़ा सा मैंने रोका हुआ है। देखें क्या होता है, स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, आपको काफ़ी मेहनत लगती है घर में पेंट होता है तो। क्या हुआ, क्या कर रही हो? मैं चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ, हट जाओ। क्या सिस्टर से बात कर रही हो? मम्मी कह रही है मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे लेग में चोट लगी। लेग में चोट लगी? अच्छा। हाँ, और ये फोर होगी। मैं चुप, मैं तो कुछ बोल रहा ही नहीं हूँ। रूम में जाती हूँ। बादल चेक करें भाई, कितने ज़बरदस्त क्लाउड है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। तो यार लंच में है आज पकोड़े और कटलेट्स और चने की फ्राई दाल। रोटी यहाँ गरम हो रही पकोड़ों के लिए। सारे घर के फोन लेके तुम जो है सिस्टर से बात कर रही हो, चलो आ जाओ जल्दी से। मैं तो अभी अम्मी सिस्टर से बात कर रही हूं, मैं जा रही हूं सिस्टर के रूम पे, हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर ने ब्लॉक करा इसके लेग। अल्लाह, ये कहां से सीखती हो तुम, किसने बताया तुम्हें ये सब? मुझे कोई नहीं, पापा ने बताया आपको। व्हाट आर यू डूइंग अनाया? What are you doing? क्या कर रही हो ना? Painting? No, drawing. अच्छा drawing, okay. नाया। ये देखो कहाँ बैठी हुई है नाया। अच्छा नाया कहाँ बैठी हुई हो? हैं? हाँ ना, कहाँ बैठी हुई हो? हैं? पापा क्या कर रही हो तुम आज? पहली बार इधर बैठी हुई हो? मैं सोच रहा हूँ, मैं मजा आ रहा है। एक मिनट रुको रुको, मैं रुकता हूँ। क्लब बनाओ। क्या कर रही हूँ? कट कर रही हूँ, बर्बाद कर दी सारी इन्होंने। और क्या कर रही क्या कर रही हो ना यहाँ? ऊपर वाले झूले में बैठ गई तुम? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी और मजा दिलवाता हूँ। 9 बज रहे हैं और मैं जो है अभी चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और राइस बना रही हूँ। दाल दोपहर में बनाई थी, किसी ने खाई नहीं थी क्योंकि वो कटलेट्स वगैरह भी थे, तो बस उसके साथ वो बना रही हूँ, शेयर करते हैं आपके साथ। हम बस बन गई है, मैं इसको टमाटर अभी मैं रात को रेडी कर रही हूँ। राइस भी जो है तैयार है, स्टीम होते हुए। ये मेरी सल्तनत है जो पीछे आपको नज़र आ रही है, ये सारा मैं बस सोती नहीं हूँ, बाकी रहती मैं पूरा दिन यहीं पे हूँ। मोस्टली जब घर पे होती हूँ ज़्यादा जो है कुकिंग वगैरह जो है पूरा दिन कंटिन्यूस कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अभी भी जो है कढ़ाई चल रही थी,
और साथ जो है राइस दम पे, तो बस बनते हैं तो मैं खाती हूँ। क्या देख रही हूँ? क्या खा रही है? अच्छा तो हेलो तो करो। हेलो A python and her eggs in our garden. It was a reticulated python. मैंने अभी चॉकलेट केक बेक किया है माइक्रोवेव में, तो इसकी ड्रेसिंग करूंगी तो फिर दिखाऊंगी। अगर इनको ऐसे ही खाना होगा तो वैसे भी लावा केक है, देखें तो लावा नजर आ रहा है। मैंने थोड़ी जेली भी बना के रखी हुई क्योंकि गर्मी है ना, तो बच्चे ठंडा रात को इनको चाहिए होता है। साथ कस्टर्ड भी है। अच्छा जी, रात के बज गए एक और अनाया सो गई है और बच्चे भी अब ऑलमोस्ट लेटने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि थकान हो जाती है, सारा दिन काफ़ी चीज़ें होती हैं और गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। पूरा दिन जो है काफ़ी गर्मी रहती है, बहरिया में वैसे भी काफ़ी गर्मी होती है। तो आज बहरहाल हमारा संडे जो है वो घर पर ही गुजरा क्योंकि एक तो बहुत सारे काम हैं और दूसरा इनके पेपर्स हैं, तो उसकी वजह से उनकी तैयारी कराना भी बहुत ज़रूरी है, इनको टाइम देना भी ज़रूरी है। और तीसरा, मेरी तबीयत अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि जो हाथ है मेरा, हैंड बहुत तंग कर रहा है मुझे आजकल ना, उस वजह से जो है काम करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपसे बैठ, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह।